जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट करने लगा हूं जो कि है SQL फॉर बिगिनर्स। इस कोर्स के अंदर मैं आपको SQL और PL SQL सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से ले कर चलूँगा। बेसिकली ये कोर्स उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अपना ओरेकल की फील्ड के अंदर या SQL के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जब आपने SQL के ऊपर काम करना है तो SQL के ऊपर काम करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत है। एक आपको चाहिए है डेटाबेस, एक आपको चाहिए है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब जब हम डेटाबेस पे अगर देखें तो SQL जो है ना बेसिकली एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर द डेटाबेसेस। आपने किसी भी किस्म की डेटाबेसेस के ऊपर काम करना है, आपने डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, उसके लिए जो आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए वो है SQL। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसके अंदर जो है ना बेसिकली आप क्यूरी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो कि क्यूरी के लिए यूज होती है। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल से आपको इसके बारे में समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जब अगर आपने SQL के ऊपर काम करना है तो आपको ये चीज़ समझनी सबसे पहले, इट्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर द डेटाबेसेस। आपने कोई भी डेटाबेस पर काम करना है तो आपने इसको यूज़ करना है। अब डेटाबेस कौन कौन सी आपके पास हो सकती है? हमारे पास मार्केट में ओरेकल की डेटाबेस है, हमारे पास मार्केट में SQL सर्वर की डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, MySQL है और बहुत सारी डेटाबेसेस हैं। तो जब भी आपने किसी भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, उसके ऊपर काम करना है, तो आपको यूज़ करनी है SQL। ठीक है, इट मीन एक दफ़ा आप जब SQL सीख लेंगे तो आपकी हर जगह पर यूज़ होगी। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओरेकल की डेटाबेस को डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। अब डाउनलोड करने से रिलेटेड मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और आप अपना ओरेकल की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ओरेकल की डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हैं। अब ओरेकल की डेटाबेसेस आपके पास, ओरेकल की जो डेटाबेसेस है उसमें ओरेकल की स्टैंडर्ड एडिशन भी हो सकती है, एंटरप्राइज एडिशन भी हो सकती है और ओरेकल की XE एडिशन है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली XE जो डेटाबेस है वो है लाइट डेटाबेस। तो उस लाइट डेटाबेस को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अपनी ओरेकल की इंस्टॉल करेंगे और अपनी SQL और PL SQL की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप SQL को डाउनलोड कर लेंगे, ओरेकल को डाउनलोड कर लेंगे और आपने अब जब काम करना है डेटाबेसेस के साथ काम करने के लिए तो आपको चाहिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारे पास ओरेकल की तरफ से, जब डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे तो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आएगा जिसको कहते हैं SQL+, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। उसको यूज़ करके आप सारी की सारी कमांड देंगे, लेकिन SQL+ के ऊपर काम करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है। तो ओरेकल वालों ने आपके काम को आसान करने के लिए एक और टूल जो है वो दिया है जिसको कहते हैं SQL डेवलपर। SQL डेवलपर को यूज़ करके आप काम अपने SQL का बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको SQL+ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन हम सारा का सारा अपना काम किस चीज़ में करेंगे, SQL डेवलपर में करेंगे। तो सबसे पहले हम ओरेकल को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम SQL डेवलपर को इंस्टॉल करेंगे, तो फिर उसके बाद हम उसकी कनेक्टिविटी करके अपनी सारी की सारी कमांड्स हम SQL डेवलपर में करेंगे। अब SQL डेवलपर में जब आपने काम करना है तो आपको ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि आप हम अपना काफ़ी सारा काम जैसे ना वो कमांड्स या क्यूरीज या स्टेटमेंट्स लिख के कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा काम हमारे पास ग्राफिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक टेबल्स वगैरह या कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, हमें कोडिंग लिखी है बगैर भी किया जा सकता है, लेकिन आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको कोड लिखना आना चाहिए। बेसिकली जितने भी हमारे पास आगे जाके लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उसमें हमारे पास जो है ना रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट या लो कोड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। लो कोड डेवलपमेंट और रैपिड एप्लीकेशन का मतलब यह कि आपको कोड बहुत कम लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपका क्या करेगा, टूल जो है ना वो आपका कोड काफ़ी सारा लिख देगा। जिस तरह से हम लोग एपेक्स का कोर्स सीखेंगे, एपेक्स के अंदर आपको बहुत सारा कोड सिस्टम खुद ही जनरेट कर देगा, लेकिन उसमें यह है कि आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप अपनी मर्जी से बिजनेस लॉजिक को बिल्ड कर सकें। तो हमारे पास SQL डेवलपर होगा जिसमें हम लोग कमांड्स लिखेंगे, जिसमें हम लोग उसके ग्राफिकल इन्वायरमेंट को समझेंगे, उसके साथ हम लोग डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरेकल की डेटाबेस की डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन से और SQL डेवलपर से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आप लोगों के लिए ओरेकल के बहुत सारे कोर्सेज उर्दू में और इंग्लिश में ला रहा हूँ,
तो ये हमारा उर्दू का चैनल है, हमारे पास ओरेकल ट्रेनिंग्स के नाम से इंग्लिश का भी चैनल है। अगर आप इंग्लिश में कोई कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो आप उससे इंग्लिश के कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास हमारे पास डेवलपमेंट के और फंक्शनल के बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह आपको स्टेप बाई स्टेप हम लोग तमाम के तमाम कोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करेंगे। चलिए फिर अब चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। थैंक यू वेरी मच। Before starting training, let me introduce you myself. My name is Abadur Rahman and I am working on Oracle technologies from last more than 20 years. I completed my Oracle developer certification in year 2000. I have given training more than 5000 students around the world and I have given training in more than 15 different training institutions, which includes Oracle University Dubai, Oracle University Saudi Arabia and many different Oracle training institutions. I'm a very strong developer and I build custom application for more than 100 clients in Pakistan. I'm Oracle functional consultant and I did the Oracle e-business implementation for more than 50 companies in last 15 years. So I provide a different types of services which includes consultancy, implementation, as well as support. I'm Oracle, I do have a very strong Oracle Fusion application experience as I'm doing Oracle Fusion implementation from last 5 years. So I worked on more than 5 large projects on Oracle Fusion implementations. I'm a project manager, I do the project management for many projects. I run more than 10 large ERP implementation projects as a project manager. And I'm a very good solution architect as I do have a strong hands-on working experience on Oracle technologies, which include DBA development as well as functional side. So any type of solution if I need to design, I can understand and design any type of solution very easily, though it goes across different technologies or it goes across different modules or the different business area. तो ये है कि अब मैं सबसे पहले जो है ना ओरेकल की डेटाबेस डाउनलोड करूँगा और उसको इंस्टॉल करूँगा, और उसके बाद जो है ना डेटाबेस डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एसक्यूएल डेवलपर भी डाउनलोड कर लूँगा और उसको भी आपके पास रन कर लूँगा, ताकि हम उसकी कनेक्टिविटी करके देख लें कि हम लोगों ने आगे उस पर आगे अपनी कैसे सारी कमांड्स करनी है। ओरेकल डाउनलोड करने से पहले जो है ना आपके पास जो है एक क्या कहते हैं अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आपने उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इधर चले जाएं ब्राउज़र पे, आप लिखें oracle.com। ये हमने लिख दिया oracle.com। तो ये आपके पास oracle.com आ गया है। oracle.com के ऊपर आप इधर व्यू अकाउंट्स पे जब क्लिक करेंगे, ऊपर लेफ्ट साइड पर जो है ना वो व्यू अकाउंट्स का बटन आ रहा है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इधर ऑप्शन आ रही है आपने तो अपने ओरेकल के अकाउंट को साइन इन करना है या क्रिएट अकाउंट करना है। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो उसको साइन इन कर लें, अदरवाइज़ आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आपने पहले ओरेकल पे काम नहीं किया हुआ आप ओरेकल का अकाउंट क्रिएट कर लें। लेट्स अज्यूम मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट क्रिएट करना है। मैं इधर आया, मैं इधर अपना ई मेल एड्रेस लिखूँगा, लाइक मैं इधर अपना ई मेल एड्रेस लिखता हूँ, उसके बाद मैंने इसका पासवर्ड बनाया 123। पासवर्ड को मैंने रिपीट कर लिया, उसके बाद मैंने अपना नाम लिखना है, नाम लिख लिया जी रहमान अबैद, ये आ गया जी रहमान अबैद, टाइटल मैंने लिख दिया जी कंसल्टेंट, फ़ोन नंबर कह रहा है फ़ोन नंबर लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 0506220025, कंपनी का नाम लिख दिया मैंने, लोकेशन लिख दी रियाद कर दिया, उसके बाद मैंने ये अपनी लोकेशन चूज़ कर ली और ये मैंने जिप कोड कर दिया, उसके बाद मैं क्रिएट अकाउंट कर दूंगा। अब जब मैं क्रिएट अकाउंट करूंगा तो ये क्या करेगा, एक अकाउंट क्रिएट कर देगा और उसमें उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए जो है ना वो मेरे पास ईमेल आ जाएगी। मैं अपनी ईमेल में जाके उसको ईमेल को खोलूँगा और उसके बाद जो है ना मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा। तो मेरा ये जो है ना ओरेकल के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर आपका ओरेकल के ऊपर अकाउंट नहीं है आप अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, तो उसके बाद उसको वेरीफाई कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है ओरेकल को डाउनलोड करना है। ओरेकल को डाउनलोड करने के लिए लेट्स अज्यूम आप oracle.com पे गए, अब आपका अकाउंट है या नहीं है, आपने क्या करना है सबसे पहले ये प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करके आपके पास ये आ रहा है ओरेकल डेटाबेसेस, ये
ठीक है, आप ओरेकल डेटाबेसिस के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको जो उनसे ना इधर आ रहे हैं, ये आ रहा है अदर डेटाबेस प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें आपने अदर डेटाबेस प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें आ रहा है डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन एक्सी, आपने डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड करना है। इस पर आया मैं, ये डेटाबेस ओरेकल डाउनलोड ओरेकल डेटाबेस एक्सी के ऊपर मैंने क्लिक किया। अभी बता रहा है कि आपने कौन सी वर्जन डाउनलोड करना है, आपने लाइक विंडोज़ का करना है या लिनक्स का करना है, तो मैंने विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने पास ओरेकल की एक्सी की डेटाबेस को डाउनलोड कर लूँगा। अब चूँकि मैंने जो आईडीई है, जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग एसक्यूएल डेवलपर पे काम करेंगे, तो अब हम लोग साथ ही एसक्यूएल डेवलपर को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं दोबारा एसक्यूएल डेवलपर को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट्स पे गया, उसके बाद फॉर एग्जांपल ओरेकल डेटाबेसिस पे गया, अगेन ओरेकल डेटाबेसिस के अंदर, पहले मैं ओरेकल डेटाबेस प्रोडक्ट्स पे गया था, अब मैंने जाना है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर। अब मैं जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर, इसको ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर को मैंने सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैंने डाउनलोड एसक्यूएल डेवलपर कर दिया, ठीक है। अब ये मेरी डेटाबेस को डाउनलोड कर रहा है ऑलरेडी, और उसके बाद जिनसे ना डेटाबेस को डाउनलोड करने के साथ साथ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब एसक्यूएल डेवलपर को भी डाउनलोड कर देगा। एसक्यूएल डेवलपर को डाउनलोड करने से पहले ये बता रहा है, पूछ रहा है मेरे से कि आपने विंडोज़ करनी है या विद ऑन द विंडोज़ करनी है, JDK करनी है, या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपने डाउनलोड करनी है। मैंने कह दिया जी विंडोज 64 को करे और ये करे JDK को इंक्लूड करके, JDK को इंक्लूड करके, ठीक है। तो ये मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब इसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे दें जो कि अभी आपने क्रिएट किया था। इसके बाद इसको साइनिंग इन करेंगे तो आपका जो है ना वो लॉग इन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास डेटाबेस डाउनलोड हो गई है, ठीक है, और ये मेरे पास एसक्यूएल डेवलपर डाउनलोड हो रहा है। तो जब ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक अलग फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर। अब मुझे इसकी ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये दोनों चीज़ें मेरे पास डाउनलोड हो गई हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इधर मैंने जाके एक नया फोल्डर क्रिएट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ओरेकल का। इसमें इस फोल्डर के अंदर जाके जो था मैंने इन दोनों को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब एक फोल्डर के अंदर ये दोनों सॉफ्टवेयर मैंने रख लिए हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इस पर जाके पहले मैंने डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट पर लगा दिया, उसके बाद मैंने एसक्यूएल डेवलपर को एक्सट्रैक्ट पर लगा दिया, ठीक है। अब ये एसक्यूएल डेवलपर एक्सट्रैक्ट हो रहा है और उसके साथ ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने जो है ना वो विनरार इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपके पास विनरार नहीं है तो आप विनजिप को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास डेटाबेस जो है ना वो डाउनलोड हो गई है, अब डाउनलोड के साथ जो है ना वो एक्सट्रैक्ट भी हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैंने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं डबल क्लिक किया, ये सेटअप के फोल्डर पे आ गया। अब मैं सेटअप के फोल्डर पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैंने इसको किया नेक्स्ट, आपने इसका लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट कर लिया। अब ये पूछा आपने इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से फोल्डर पे किसी में इंस्टॉल कर सकते हैं या आप इसी फोल्डर में कर सकते हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ, 12CU करके, ये उर्दू की क्लास है तो इसमें मैं एक फोल्डर यू का क्रिएट करके इसके अंदर मैं अपनी डाउनलोड करता हूँ एक्सी की डेटाबेस। इसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, जो आप यूज़र नेम का पासवर्ड रखेंगे, आपका पासवर्ड पूछा ये, तो जो आप ये पासवर्ड रखेंगे ये सिस सिस्टम और PDBA एडमिन, इन तीनों अकाउंट्स का एक ही पासवर्ड होगा। तो आप पासवर्ड रख लें, मैंने फॉर एग्जांपल इसका पासवर्ड रख लिया है ओरेकल, ठीक है। ओरेकल पासवर्ड रखने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर लिया। ये आपको बता रहा है कि आपका डेस्टिनेशन फोल्डर ये होगा, आपकी ओरेकल की डेटाबेस की होम ये होगी और आपके जो है ना ओरेकल की डेटाबेस का बेस ये होगा। इसको करने के बाद मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब ये मेरी ओरेकल की एक्सी की डेटाबेस की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। अब ये इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लगाएगा आपके रिसोर्सेज की बेस के ऊपर, और उसके बाद जो है ना इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम लोग इसको सबसे पहले SQL Plus से मैं कनेक्ट करके आपको दिखाऊँगा,
और जब SQL प्लस से कनेक्ट कर लूँगा तो उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग SQL डिवेलपर के साथ इसको कनेक्ट करके उसको भी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा काम हम लोग SQL प्लस को समझ लेंगे और SQL प्लस को समझने के बाद हम लोग एक्चुअल काम करेंगे SQL डिवेलपर के ऊपर, ठीक है। अब वो एक्सट्रैक्ट हो गया, अब ये जो है ना मेरी एक्सी की डेटाबेस को क्या कर रहा है, इसको अभी इंस्टॉल कर रहा है। अब यह कि ये अभी इंस्टॉलेशन कर रहा है, पहले उसने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया था, उसके बाद कॉन्फ़िगर कर रहा है और ये डेटाबेस जो है ना आपकी क्रिएट कर रहा है। जी तो आप ये देखें, ये डेटाबेस इंस्टॉल हो गई है और ये उसका मुझे जो है ना लिंक और इसकी सारी डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो फिनिश करने के बाद जो है ना वो मेरी ओरेकल डेटाबेस एक्सी एडिशन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इधर जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आल ऐप्स के ऊपर मैं जाता हूँ, ठीक है। आल ऐप्स पर जाने के बाद मेरे पास इधर आ रही है ये ओरेकल डेटाबेस, ठीक है, ये न्यू लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है SQL प्लस, ठीक है। मैं SQL प्लस पे अगर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा है, मैंने सिस्टम ओरेकल, क्योंकि मैंने ओरेकल पासवर्ड रखा था तो ये सिस्टम स्लैश पासवर्ड लिख दिया तो मैं इससे कनेक्ट हो गया हूँ। अब मैं इधर अपनी कमांड लिख सकता हूँ, ये मेरे पास SQL प्लस आ गया, ठीक है। इधर से मैं SQL प्लस पे काम कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग काम करेंगे SQL डेवलपर के ऊपर, तो मैंने क्या करना है, SQL डेवलपर के ऊपर जाने के लिए SQL डेवलपर है, इस पर डबल क्लिक किया, ये SQL डेवलपर का फोल्डर आ रहा है। SQL डेवलपर के फोल्डर के अंदर मैं जाके SQL डेवलपर के ऊपर अगर दो दफा क्लिक करूं तो ये मेरा SQL डेवलपर खुल जाएगा, ठीक है। मैंने इसको यस कर दिया, तो ये है मेरा SQL डेवलपर का इन्वायरमेंट जहाँ पे जो है ना मैं अपनी तमाम के तमाम SQL की प्रैक्टिसेस करूँगा, ठीक है। ये मेरे पास आ रही है डेटाबेसेस। तो आपने फॉर एग्जांपल अगर आप इधर आकर देखें, आपने सबसे पहले इधर डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है, तो क्या कैसे कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, इसको प्लस करके इधर आप डेटाबेस का कनेक्शन का नाम रखते हैं, मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट। इधर यूज़र नेम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यूज़र नेम था सिस्टम, ठीक है। और एक जब भी आप डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे सिस्टम यूज़र ऑलरेडी इसके अंदर होता है और सिस्टम यूज़र के ऊपर जो है ना DBA के राइट्स होते हैं, तो इधर से आप अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने इधर अपना लोकल होस्ट दे दिया, अगर आपने किसी और सर्वर से कनेक्ट करना है तो आप उस सर्वर का नाम दे सकते हैं जिस सर्वर के ऊपर आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है। एनी फॉर द टाइम बिंग अगर हम लैपटॉप पर कर रहे हैं तो अभी हम इसका नाम लोकल होस्ट या कंप्यूटर का नाम दे देंगे, ये पोर्ट आ जाएगी और ये उसकी डेटाबेस का नाम आ जाएगा। ये करने के बाद हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास टेस्ट की डेटाबेस आ गई, इसके साथ कनेक्शन हो गया। मैं इधर एक कमांड रन करके देखता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट, इसको सिलेक्ट करके मैं ये करूँ तो मेरी कमांड रन हो जाएगी, या इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर करूँ तो मेरी ये कमांड रन हो जाएगी। अब यह क्या हमारे पास इन्वायरमेंट रन रेडी हो गया है SQL के ऊपर काम करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है ना हम लोग आगे फर्दर उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। Thank you very much.